नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 11 मई को है मंगलवारी अमावस्या। ये अमावस्या बहुत ही पावरफुल है। अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है, मंगलवारी अमावस्या कही जाती है, शनिवार के दिन पड़ती है, शनिश्चर अमावस्या कही जाती है। और दोनों ही अमावस्या दोस्तों बहुत पावरफुल होती है। मंगलवार के दिन जो उपाय किए जाते हैं उससे आपके घर में धन ही धन आता है। आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी की गई है वो नेगेटिविटी दूर होती है। मंगलवार अमावस्या के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं उन उपाय को करने से व्यक्ति धनवान बनता है। धन आने के सोर्सेस अपने आप ही खुल जाते हैं। आज आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बता रही हूँ दोस्तों। वैसे तो मंगलवारी अमावस्या है तो इस दिन एक साधारण तो आपको एक उपाय तो जरूर बताऊं कि हनुमान जी के मंदिर में इस दिन आप दर्शन करने के लिए अवश्य ही जाएं। हनुमान जी को आप चोला अवश्य ही चढ़ाएं, मतलब कि तेल सिंदूर उड़द मिलाकर के आप उन्हें अवश्य ही अर्पित करें। घी और गुड़ का प्रसाद या फिर लड्डू का प्रसाद हनुमान जी के सामने आप चढ़ाएं, उन्हें अर्पित करें। पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। जो भी आप जितने भी पूजा कर सकते हैं हनुमान जी की अवश्य ही करें। ऐसा करने से हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा बरसती है। मंगलवारी अमावस्या के दिन हनुमान जी से जुड़े हुए कोई भी उपाय यदि आप करते हैं तो आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाती है। लाइफ में धन आना शुरू हो जाता है। नौकरी धंधे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है वो दूर हो जाती है। दोस्तों, मंगलवारी अमावस्या यदि आप रात के समय कोई भी खाली कुआं पड़ा हो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देते हैं जाकर के, तो नौकरी सामने चल करके आती है, नौकरी सामने चल करके आएगी। इस दिन दोस्तों हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं, हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को आप हनुमान जी के सामने बोलें। इस दिन सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ मात्र करने से, हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, जो भी आप कर सकते हैं, मतलब आप करें, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। अमुक दिन बहुत ही पावरफुल आते हैं। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, इस उपाय को भी आप करके देखें। आप देखेंगे कि घर बैठे नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे और जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। आप जैसी प्रगति चाहते हैं कि मेरा ऐसा प्रमोशन हो, वैसे आपका प्रमोशन आपको देखने के लिए मिलेगा और पैसे आने शुरू हो जाते हैं। मंगलवार अमावस्या के दिन जो भी उपाय हनुमान जी से जुड़े हुए होते हैं इन उपायों को करने से घर में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको उपाय बताऊं उससे पहले आप सभी को मैं सावधान कर दूं कि चैनल में काफी फ्रॉड लोग घुस चुके हैं जो मेरी नकली आईडी बना करके काफी मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को लूट रहे हैं, काफी पैसे ये लोग लूट चुके हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि आपको फोन करता है या आपके फोन करने पर वो ये कहता है कि मेरे द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं हवन के बहाने, पूजा पाठ के बहाने, किसी भी बहाने से यदि कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, प्लीज सावधान हो जाए कि वो व्यक्ति फ्रॉड है। काफी लोगों को ये लोग लूट चुके हैं क्योंकि आप लोग सावधान नहीं है। काफी लोग कमेंट बॉक्स में बार बार लिख रहे हैं कि हमारे पैसे लूट गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ से पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं। ये वही फ्रॉड लोग हैं जो मेरे नाम की आईडी बना करके आपको फोन भी करते हैं, आपसे खुद सामने चल के क्वेश्चन करते हैं, व्हाट्सएप पर आपसे चैटिंग करते हैं। लेडीज ऐसी बैठी हुई है जो बिना भदुरिया बनकर के बात कर रही है। तो प्लीज आप इन तमाम लोगों से सावधान रहें, ठीक है? चलिए, आज का मैं आपको उपाय बताऊं। तो मंगलवारी अमावस्या के दिन दोस्तों आपको करना क्या है, एक लाल रंग का आप कागज ले लें। कागज लाल रंग का भी ले सकते हैं, आप ऑरेंज रंग का भी ले सकते हैं, या फिर आप व्हाइट पेपर ले लें और उसको थोड़ा सा सिंदूर से आप ऑरेंज कर लें आगे पीछे दोनों तरफ, ठीक है? और उसमें आप लिख दें राम राम राम। आप लाल रंग की पेन से उसमें जितना भी ज्यादा, यदि आप 108 बार उसमें राम राम लिख देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अन्यथा आप 9 बार, 11 बार या 21 बार उसमें राम राम लिखें कागज पर, और उसमें दोस्तों आप राम का नाम लेकर के 21 दाने चावल के डाल दें। कितने? 21 दाने चावल के आप उसमें राम राम बोले और एक एक चावल का दाना उस कागज पर डालें
और उसके बाद में आप उस पुड़िया में, उस कागज में सिंदूर डाल दें, बराबर, और आप उसकी पुड़िया बना लें। उस पुड़िया को दोस्तों आप अपनी मुट्ठी में बंद करके बैठे और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। कितनी बार? गिन करके 3 बार। मंगलवार अमावस्या के दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही ज्यादा फलदायी साबित होता है। ये उपाय आप अपने घर में बैठ करके पहले कर लें। उसके बाद में आप ये तेल और चावल और सिंदूर की जो आपने पुड़िया बनाई है, इस पुड़िया को लेकर के जाएं, जा करके आप हनुमान जी के सामने इसको रख दें, हनुमान जी के सामने रखते उन्हें चढ़ा दें और प्रार्थना करें कि मेरा ये काम हो, जो भी आपकी इच्छा अधूरी हो उस इच्छा के लिए आप प्रार्थना करें। क्योंकि आपने इसमें राम नाम लिखा है तो आपको हनुमान जी के सामने इसको चढ़ा देना है, रख देना है, उनके पैरों पर नहीं रखना है, आपको सिर्फ उनके सामने इसको रख देना है। और यदि आप इस पुड़िया को पीपल के पत्ते पर या पान पर, जो साधारण पान आप खाते हैं, उसमें रख करके रखते हैं, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप इस पुड़िया को रख दें। जो लोग हनुमान जी के मंदिर में ना पहुंच पाए वे लोग अपने ही घर में जहां हनुमान जी की स्थापना की हो वहां इस उपाय को कर सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात इस पुड़िया को रखी रहने दें, उसके बाद इसको उठा करके आप अपने धन स्थान में रख लें। बस आप देखेंगे कि आपके घर में धन अचानक आना शुरू होगा और नौकरी सामने चलकर आएगी, घर बैठे आपको नौकरी मिलेगी, ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया उपाय है दोस्तों। इस दिन आप अपने घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर हनुमान जी का उड़ता हुआ एक फोटो लगा लें। जो लोग नौकरी के, जिनके पास नौकरी नहीं है, और फोटो ऐसा लगाएं जिसका बैकग्राउंड रेड कलर का हो और हनुमान जी की उड़ती तस्वीर। इस दिन यदि आप लगाते हैं घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर, कभी भी आप बिना नौकरी के घर में नहीं बैठे रहेंगे। उपाय बहुत बढ़िया है और बहुत साधारण है, कर लेने के लायक है, तो करते रहे, खुश रहे। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।